दुनिया भर में आजकल सोशल मीडिया का बोलबाला है। उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते और बात करते हुए, हाथों में स्मार्टफोन और सोशल मीडिया पर ऑनलाइन, ऐसे नजारे आज हमें अक्सर देखने को मिल जाते हैं। स्मार्टफोन और 4G के दौर में सोशल मीडिया जैसे जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पढ़ाई में अव्वल रहने वाले सोशल मीडिया से दूर ही रहना पसंद करते हैं? ये हैं हंसिका शुक्ला। गाजियाबाद की हंसिका ने CBSE 12वीं की परीक्षा में 500 में से 499 अंक हासिल कर टॉप किया है। हंसिका ने इतिहास, राजनीति विज्ञान और हिंदुस्तानी गायन में 100 में 100 अंक हासिल किए हैं। बस अंग्रेजी में ही 99 अंक मिले। हंसिका की इस कामयाबी पर उनका परिवार ही नहीं बल्कि पूरे गाजियाबाद का सीना चौड़ा हो गया है। लेकिन जब हंसिका से उनकी कामयाबी का राज पूछा गया तो उन्होंने जो जवाब दिया वो बेहद चौंकाने वाला है। CBSE की टॉपर हंसिका शुक्ला के मुताबिक उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज ये है कि उन्होंने परीक्षा से पहले कोई सोशल मीडिया नहीं की नीति अपनाई थी। लोग एक्चुअली मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं, पढ़ाई के चक्कर में चीजें जो हैं वो छोड़ देते हैं, तो इसने उन चीजों को भी कंटिन्यू रखा, जैसे बाहर थोड़ा बहुत शाम को वॉक कर लिया या फिर सोशल मीडिया पे रह ली। लेकिन जब एंड टाइम था उस समय सारी चीजों से अलग हट गई थी, लड़ाई झगड़ा होता था आपस में। हंसिका अकेली ऐसी CBSE की टॉपर नहीं है जिन्होंने परीक्षा से पहले सोशल मीडिया को बाय बाय बोल दिया था। मुजफ्फरनगर की करिश्मा भी 12वीं में 499 अंक के साथ हंसिका के साथ पहले स्थान पर रहीं। करिश्मा को सिर्फ इकोनॉमिक्स में ही एक नंबर कम मिला है। उत्तराखंड के ऋषिकेश की गौरांगी चावला ने 498 अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। यूपी के रायबरेली की ऐश्वर्या भी 498 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर रहीं। हरियाणा के जिंद की भव्या भी 498 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहीं। हंसिका की तरह ये चारों टॉपर्स भी सोशल मीडिया की दुनिया से दूर रहीं और सफलता का ऐसा झंडा गाड़ा कि पूरा देश आज इनकी ओर देख रहा है। जानकारों का मानना है कि सोशल मीडिया की लत से न सिर्फ पढ़ाई का नुकसान होता है बल्कि लक्ष्य से भटकने का खतरा भी बना रहता है। तो डिस्ट्रैक्शन तो डेफिनेटली क्रिएट करता ही है। आप पूरे टाइम एक बार सोशल मीडिया पे गए, उसके बाद आप पूरे टाइम दूसरों की प्रोफाइल्स पर जा रहे हैं, नई नई चीज़ों को देख रहे हैं, उससे क्यूरोसिटी बढ़ती है। उस क्यूरोसिटी को कम करने के लिए वो लोग और ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। बहुत तरह की सोशल मीडिया अवेलेबल है जिस पर उन्होंने अकाउंट्स बनाए हुए हैं। एक एक बच्चे के साथ साथ 8-8 अकाउंट्स हैं, तो अगर कोई भी व्यक्ति 7-8 अकाउंट एक दिन में मैनेज कर रहा है, ज्यादातर समय उसको दे रहा है, तो डेफिनेटली उसका सारा का सारा फोकस पढ़ाई की जगह सिर्फ सोशल मीडिया पर ही जा रहा है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल में भारत 13वें स्थान पर है। 2017 में भारतीय यूजर्स रोजाना औसतन 2 घंटे 35 मिनट सोशल मीडिया पर बिताते थे। साल 2018 में सोशल मीडिया का यूज बढ़कर औसतन 2 घंटे 30 मिनट हो गया, जबकि जापान के लोगों ने एक दिन में सिर्फ 39 मिनट ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। बड़ों को भी आपने देखा होगा, व्हेन यू ट्रैवल यू सी लोग फोन में घुसे हुए हैं, वो बहुत सारी सोशल मीडिया साइट्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, उन्हें स्क्रॉल करते हुए देखेंगे आपको मेट्रो में, बस में, समटाइम्स रेड लाइट पर भी आप देखेंगे कि सामने वाला फोन में ही लगा हुआ है। तो हाँ, ये एडिक्शन भी है एक तरह का। अब किसी भी एक्ट्रेसेस या एक्टर ने क्या किया, क्या एक्शन किया, कैसे अटेम्प्ट किया, किस तरह का फैशन वो लोग फॉलो कर रहे हैं, बच्चे इसको बिल्कुल फोकस करते हैं और उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो डेफिनेटली अगर बच्चे इसी सब चीज को फोकस करते रहेंगे तो डेफिनेटली उनकी स्टडीज पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। इंटरनेट और स्मार्टफोन के बढ़ते चलन के साथ बच्चों का सोशल मीडिया की ओर खिंचाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में आज हर माँ बाप के सामने अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखना एक बड़ी चुनौती बन गई है। लेकिन CBSE के टॉपर्स ने तो मिसाल कायम की है, उससे दूसरे बच्चों को भी जरूर नसीहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, Zee मीडिया।